रिलेशंस आपको पता है कितने जरूरी है हमारे आपके एग्जिस्टेंस के लिए, मेरे माँ बाप से मेरा रिलेशन, मेरे भाई बहन से मेरा रिलेशन, मेरे फ्रेंड से रिलेशन। पर आपको पता है रिलेशंस बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लोगों का टॉलरेंस और एक्सेप्टेबिलिटी लेवल इतना कम हो गया है कि क्या कहा जाए। हाँ बस यूज़ एंड थ्रो टाइप का पॉलिसी है, बस यूज़ कीजिए। आपको बिल्कुल उनको खुश करना पड़ता है, उसके अनुसार बात करना पड़ता है। आप उसके अनुसार बात नहीं कीजिएगा बस वही समझ लीजिए कि योर रिलेशन इज़ गोइंग टू बी इन डेंजर। दिस नॉट ए गुड थिंग फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर कंट्री। और हम लोग जिस तरह के लोग हैं इंडियंस, वी आर सो मच इमोशनल्स, वी आर सो बिलीव इन सो मच रिलेशन, वी बिलीव सो मच इन आवर रिलेशंस। पता नहीं जो भी रीज़न हो, वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट हो, उपभोक्तावाद समाज, या जो भी रीज़न हो, रिलेशंस आर नॉट गोइंग इन द सेम वे एज अर्लियर। उस तरह से हमारे रिलेशंस नहीं चल रहे, तो इट्स सब पेनफुल। मेरी इतनी उम्र में मुझे देख के बहुत ख़राब लगता है कि और लोगों के ना कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। आई डो नॉट वॉन्ट टू हियर दिस, बस दिस इज द ट्रूथ, मॉडर्न ट्रूथ ऑफ आवर सोसाइटी। हम लोग ऐसे ही कह रहे हैं, पता नहीं इतना ईगो, इतना घमंड, फ्रॉम वेयर दे विल गो, कहाँ जाएंगे वो यहाँ से। आपको पता नहीं समझ आता है कि इस ईगो से आपको मिलेगा क्या। आपको पता है मतलब आपको खुद अब थोड़ा ध्यान दे दो, पता चलेगा इस ईगो से मतलब आपके मेंटल एंजाइटी में कितना इंक्रीज़ होता है। ये अच्छी चीज़ें नहीं है, और आपको पता आपकी प्रोडक्टिविटी भी इफेक्ट होती है। तो बी गुड, ट्राई टू बी गुड। और रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी वंस लाइफ। आपका फ्यूचर बहुत तक आपके रिलेशंस पर डिपेंड करता है, आपकी सोच, आप कहाँ तक जा रहे हैं। तो रिलेशंस को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, और ये मत सोचिए कि बिल्कुल ऐसे ही है। इट हैज़ अ ह्यूज रोल इन योर प्रोग्रेस एंड ग्रोथ, रिमेंबर दिस थिंग।